हेलो एवरीवन दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ पिछले सारे लेक्चर्स आपने देख लिए होंगे, खास करके टू लेग स्टीरअप्स की कटिंग लेंथ, सर्कुलर स्टीरअप्स की कटिंग लेंथ। अब दोस्तों बात करने जा रहे हैं हम आगे आगे हमारे पास है डायमंड स्टीरअप्स। बहुत ही वैल्यूएबल कॉन्सेप्ट है दोस्तों, समझना। यहाँ पर बहुत सारे लोग गलती करते हैं, है ना। बहुत सारे वीडियोज़ के अंदर, यूट्यूब के अंदर जो भी अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा गलतियाँ हैं, है ना। कभी क्या यूज़ कर लिया, कभी डिडक्शन किया, कभी डिडक्शन नहीं किया, कभी सेंटर से लिया, कोई लोग सेंटर से नहीं भी लेते हैं। लेकिन मैं आपको बहुत फंडामेंटल शुरुआत में ही समझा चुका हूँ कि वी आर कंसिडरिंग द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ द स्टीरअप्स, है ना। सेंटर लाइन के अकॉर्डिंग हमारी लेंथ कैलकुलेट होगी, क्योंकि IAS कोड ने भी ऊपर बड़े अक्षर से लिखा है सेंटर लाइन के अकॉर्डिंग कटिंग लेंथ कैलकुलेट होगी। और IAS कोड ने डिडक्शन नहीं कंसिडर किया है, और वहाँ पर लिखा है अप्रॉक्सीमेटली, डिडक्शन नहीं कैंसर किया IAS कोड ने 2502 ने, और वहां पर ऊपर टाइटल में लिखा अप्रोक्सीमेटली। तो हम क्या करते हैं, हम यहां पर मोर एक्यूरेट मोर इकोनॉमिकल जाने के लिए डिडक्शंस भी कंसिडर करते हैं। तो ये हमारा बेसिक एक फंडामेंटल है, उसी को ही दोस्तों आपको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। यहां वहां बहुत सारे कंसेप्ट देखकर अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना है। चलिए दोस्तों, तो ये डायमंड स्टीरअप्स आपके सामने दिख रही है। अब एक कॉमन सेंस क्या बोलता है यार, कॉमन सेंस क्या बोलते हैं, हमेशा से बोलता हूँ यार, यहाँ पर कोई भी चीज़ याद रखने की नहीं है, है ना। कॉमन सेंस ये बोलता है कि भाई ये जो लंबाई है चार बार, 1 2 3 4, ये चार बार ऐड होगी। यहाँ पर जो हमने एक्स्ट्रा हुक लेंथ दे रखी है 135 डिग्री के लिए, बहुत ही सिंपल है, हर बार हम करते, वो ऐड होगा। डिडक्शन कहाँ कहाँ होगा, तो आप देख सकते हो 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, तीन बार 90 डिग्री का डिडक्शन होगा। 135 डिग्री दो बार है यहाँ पर, है ना, 135 डिग्री दो बार है। आपको ये मत बोलना 135 डिग्री कैसे है, तो मैं ऑलरेडी पहले समझा चुका हूँ, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, है ना, बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। सो दी सर 135 डिग्री, तो दो बार 135 डिग्री, तो उनका डिडक्शन हो। बस यही हमारा फॉर्मूला है, यही हमारा कटिंग लेंथ का फॉर्मूला है। तो इसको मैं क्या बोल देता हूँ, इसको मैं सी बोल देता हूँ, सी, इसको मैं क्या बोल देता हूँ, सी बोल देता हूँ, इसको भी सी बोल देता हूँ, इसको भी सी बोल देता हूँ, क्या बोलता हूँ, सी बोल दिया मैंने, क्या बोल दिया, सी। तो चार बार सी, कटिंग लेंथ का फॉर्मूला क्या बनेगा दोस्तों, कटिंग लेंथ का फॉर्मूला क्या बनेगा, कटिंग लेंथ का फॉर्मूला बनेगा दोस्तों, हियर कटिंग लेंथ इज इक्वल टू, नोट डाउन जरूर से करिए यार, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन जरूर से करिए, 4 times of C, सभी लोग एग्री करते हैं, 4 times of C प्लस 2 times of hook length, 2 times of hook length प्लस 2 times of hook length माइनस, अब डिडक्शंस की बारी, कितनी बार है, 90 डिग्री, देखो कहाँ कहाँ है, मैं फिर से बता दूं भाई, अब आप भी अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं, 1 2 3 90 डिग्री, इसको एक आप सीधा कंसिडर करोगे तो भी, ठीक है, 90 डिग्री के बेंड्स होंगे, अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री के बेंड्स यहाँ पर होंगे। और यहाँ पर पूरा मोड़ा गया है भाई, 135 डिग्री 90 डिग्री से ज़्यादा है, ये कैसे ज़्यादा है, तो उसके लिए आप कौन सा वीडियो देखोगे, है ना, जो टाइप्स ऑफ स्टीरअप्स वाला है उसमें दूसरा प्रकार देखोगे, जिसके अंदर मैंने टू लेग स्टीरअप्स की बात की है, तो वहां पर मैंने बताया कि ये कैसे 135। सो माइनस थ्री टाइम्स ऑफ 90 डिग्री में, बैंड, और दो बार यहां पर क्या है, 135 डिग्री के बैंड है, दो बार यहां पर 135 डिग्री का बैंड है। बहुत सारे लोग यहां पर कंफ्यूज बोलते हैं सर ये 90 डिग्री तो ये भी 90, अरे भाई ये कंफ्यूजन मैं ऑलरेडी दूर कर चुका हूं, ये 90 डिग्री है तो ये 90 डिग्री नहीं, यहां पर स्टीरअप्स को पूरा मोड़ा गया है 90 डिग्री से 45 डिग्री ज्यादा, जो कि कितना होता है, तो दो बार 135 डिग्री, तो इसका डिडक्शन होगा माइनस 2 times of 135 डिग्री का जो भी बैंड होता है 135 डिग्री। तो ये फॉर्मूला हो गया किसके लिए भाई, ये सेम टाइप ऑफ फॉर्मूला कहां एप्लीकेबल था, अगर आपको पता हो तो कुछ सिमिलर टाइप का फॉर्मूला आपने याद किया पहले, सिमिलर टाइप का फॉर्मूला हमने किया था 2a + 2b वाला, याद है, 2a + 2b, बस वहां पर 4c नहीं था, 4c की जगह था 2b भी नहीं, बल्कि e मैंने लिखा था जानबूझ के, जो कि IAS कोड के रिलेवेंस से समझा था, टू लेग स्टीरअप्स में, बाकी वहां पर भी दो बार हुक लेंथ था, वहां पर भी माइनस 3 times of 90 डिग्री बैंड था, वहां पर भी माइनस 2 बार 135 डिग्री, सेम ही है,
बस यहाँ पर 4c है और वहां पर क्या था, वहां पर था हमारे पास 2a+2e। अच्छा अब चैलेंज आपको पता है ना, चैलेंज इसमें है ही नहीं, दिस इज वेरी कॉमन सेंस और मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा भी दिया, उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को समझ में। इसमें चैलेंज है नहीं, चैलेंज है दोस्तों सी में। चैलेंज किसमें, सेंटर टू सेंटर ये जो डिस्टेंस निकालने, ये सी क्या है भाई, ये सिर्फ सी इतना ही, इतना नहीं है, इतना इतना नहीं है सी, हकीकत में बहुत जबरदस्त चीज है ना। अरे मतलब समझ रहे हो, सी हकीकत में क्या है पता है, ये स्टीरअप का सेंटर से होता हुआ डिस्टेंस है सी। क्या है स्टीरअप्स का सेंटर से होता हुआ डिस्टेंस है, सेंटर से होता हुआ डिस्टेंस सी क्या है, स्टीरअप्स का सेंटर से हुआ, तो इस हिसाब से इस माने में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सी कैसे फाइंड आउट करेंगे दोस्तों, तो सी फाइंड आउट करने के लिए हमें ए और बी फाइंड आउट करना पड़ेगा। आइए दोस्तों समझते हैं ए और बी क्या है। देखो मैं डिफाइन करता हूं ए और बी को, सेंटर टू सेंटर। ए और बी को कैसे डिफाइन करता हूं, सेंटर टू सेंटर वर्टिकल डिस्टेंस इज स्मॉल ए, यानी के यहां से यहां तक का सेंटर टू सेंटर बोल रहा हूं मैं, स्टीरअप्स की बात हो रही है ना, मेन डायमीटर की नहीं बात हो रही, सेंटर टू सेंटर। चलो मैं एक अच्छे से लंबी लाइन ही खींच लेता हूँ, फिर मैं इसको अलग से ड्रॉ भी कर दूंगा है ना, क्योंकि अभी हमें बहुत मजा आने वाला है दोस्तों यहाँ पे। तो ये है दोस्तों सेंटर टू सेंटर, सेंटर से लेकर सेंटर तक, ये क्या है, इसको मैं क्या बोलता हूँ, स्मॉल ए बोल देता हूँ, दिस इज अवर स्मॉल ए, दिस इज अवर स्मॉल ए। किसी को नहीं दिख रहा तो यहाँ पे कंप्लीटली जूम आपके सामने, सेंटर टू सेंटर, सेंटर ऑफ द स्टीरअप्स यहाँ पर है, क्योंकि हमें इंटरेस्ट है सेंटर के अंदर, सेंटर हमारा इंटरेस्ट है। सिमिलरली 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 बी को मैं डिफाइन करता हूँ सेंटर टू सेंटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के साथ, बी को मैं डिफाइन करता हूँ। चलो अब ये राइट वाला मार्क है ना, मैं निकाल देता हूँ, ठीक है, तो सबको पता चल गया ना ये राइट क्यों हमने किया था, 90 डिग्री के लिए, ठीक है। अब ये राइट वाला मार्क निकाल देता हूँ ताकि हमारे पास और क्लियरेंस बता चले। बी को मैं डिफाइन करता हूँ, स्मॉल बी को सेंटर टू सेंटर, सेंटर टू सेंटर मस्त बन जाए यहाँ पे, सेंटर टू सेंटर बी को मैं डिफाइन करता हूं सेंटर टू सेंटर, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बी को मैं कैसे डिफाइन करता हूं, सेंटर टू सेंटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मस्त अच्छा सा फिगर यार, अपनी नोटबुक में बना भी सकते हो आप यार, मैं यहां पर बना रहा हूं, आप भी बना सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये टोटल सेंटर टू सेंटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। सी क्या है दोस्तों, सी क्या है, अब यही चीज को देखो मैं एक अच्छे से अगर बनाना चाहूं, ये सबको समझ में आ गया ना दोस्तों, सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया, मैं जितना पॉसिबल हो सकता है उतना जूम कर सकता हूँ। सेंटर टू सेंटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बी, सेंटर टू सेंटर वर्टिकल डिस्टेंस ए। अब इसको मैं आसान, और ये यहां पे दोस्तों 90 डिग्री बन रहा है भाई, है ना, तो मुझे सी फाइंड आउट करना है तो क्या करना पड़ेगा, ये सबको आना चाहिए भाई, सबको आना चाहिए, बहुत सिंपल है, पाइथागोरस का नियम लगेगा, ये यहां आधा पूरा बी है तो आधा कितना हो जाएगा, बी बाई टू, पूरा ए है तो आधा कितना हो जाएगा, ए बाई टू, फिर पाइथागोरस का नियम लगेगा, ए बाई टू का स्क्वायर प्लस बी बाई टू का स्क्वायर इज इक्वल टू सी का स्क्वायर, तो मुझे यहां से सी मिल जाएगा। पर्पस समझ रहे हो ना दोस्त, मजा आएगा दोस्तों, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो अब सबसे पहले तो मैं क्या कर लूँ, मैं सबसे पहले तो एक नया फिगर बना लेता हूँ, है ना, मैं सबसे पहले तो एक नया डायग्राम बना लेता हूँ, यहीं पर बना लेता हूँ। चलो अब यहां पर जो मैं बात करने वाला हूँ ना, ये जो नए डायग्राम में, ये सब कुछ सेंटर टू सेंटर है, यानी कि सी भी सेंटर टू सेंटर है, चलो कोशिश करते हैं मस्त बनाने की, आपके सामने है डायग्राम,
ये सही नहीं है। ठीक है, आप भी बना लो, एक अलग से डायग्राम बना लो जो क्या करेगा, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। ये हो जाएगा ए, अप्रोक्सीमेटली बनाना है यार, हमें यार ड्राइंग का क्लास तो है नहीं, है ना, अप्रोक्सीमेटली बना लीजिए। ये पूरा का पूरा ए है, ध्यान से देखिए, और ये पूरा का पूरा बी है हॉरिजॉन्टल। ये हो गया पूरा का पूरा बी। अभी मैं क्यों नहीं लिख रहा हूँ, उसके पीछे रीजन है। तो अप्रोक्सीमेटली हमने डायमंड कुछ बना लिया, आपको सबको समझ में आ रहा है, चारों साइड सेम है, जो सी है ये, है ना, ये चारों सी है दोस्तों, सेंटर टू सेंटर वाले, चार बार कर देंगे तो फोर टाइम्स ऑफ सी मिल जाएंगे। अब हमारे लिए चैलेंज ये है कि चलो ठीक है सर, इतना समझ में आ रहा है कि ये रहा हमारा ए बाई टू, ए बाई टू वर्टिकल में होगा, ये रहा हमारा ए बाई टू, ये रहा हमारा बी बाई टू, ठीक है, ए बाई टू का स्क्वायर, बी बाई टू का स्क्वायर, यहाँ पर पाइथागोरस बनना है, कहानी खत्म हो जाएगी, सी मिल जाएगा, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल। बट द थिंग इज दैट सर, ए कैसे फाइंड आउट करें, चैलेंज ये है दोस्तों, ए कैसे फाइंड आउट किया जाए। अब ध्यान से देखना दोस्तों, ए बहुत सिंपल है वैसे, कुछ खास मतलब पहाड़ नहीं तोड़ना है, आपने सिंपल कॉमन सेंस लगाना है, मैथमेटिक्स करना है। भाई पूरा कितना है 300, ध्यान से देखो भाई, पूरा 300 है, 300 में से मैं माइनस सबसे पहले तो क्या करूं, कवर सेंट क्लियर कवर माइनस करूं ना, तो मैं स्टीरअप्स तक पहुंचूंगा। मैं बार बार बोलता हूं, क्लियर कवर माइनस करने से स्टीरअप्स तक पहुंचते हैं, तो क्लियर कवर माइनस कर दो। सो 300 दोनों तरफ से, दोनों तरफ से, यहां से भी क्लियर कवर माइनस कर दिया और ऊपर से भी क्लियर कवर माइनस कर दिया, समझ रहे हो ना, तो दोनों जगह से सीसी माइनस कर दिया, तो टू टाइम्स ऑफ सीसी लिखना हो तो फॉर्मूला में लिख भी लेना, मैं डायरेक्टली माइनस करता हूं, दो बार 40 माइनस टू टाइम्स ऑफ 40। यहां तक बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन मैं बोलता हूं सेंटर टू सेंटर, यार बार बार इस वर्ड पे फोकस कर रहा हूं, सेंटर टू, तो मुझे यहां से आधा डायमीटर माइनस करना पड़ेगा स्टीरअप्स का, और स्टीरअप्स का डायमीटर कितना है भाई, 8 टाइम्स ऑफ 8 mm, ठीक है, 8 टाइम्स ऑफ 8 mm, तो आधा माइनस करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, आप सभी को पता है, माइनस डी बाई टू, माइनस डी बाई टू, किसी को फॉर्मूला लिखना हो तो लिख लेना, मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस चार माइनस चार, तो यहाँ से हमें मिल जाएंगे दोस्तों ए फॉर एप्पल, दैट इज सेंटर टू सेंट्रल वर्टिकल डिस्टेंस। जल्दी फटाफट से कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा है, 300 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 40, 220 माइनस 4 माइनस 4, 212 मेरा तो आ रहा है, 212 mm, ए मिल गया। सिमिलरली दोस्तों बी फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, यही सेम कहानी, बहुत सिंपल है, बहुत बहुत ज्यादा सिंपल है दोस्तों। सिमिलरली दोस्तों अगर बी फाइंड आउट करना है, बी सेंटर टू सेंटर स्टीरअप्स का डिस्टेंस, ऊपर फाइंड आउट कर लेता हूं, ठीक, सो बी इज इक्वल टू टोटल कितना है, 400, आपको ऊपर दिख रहा है 400, उसमें से क्या माइनस करना है, दो बार कवर माइनस करना है, ये रहा कवर, तो आप स्टीरअप्स तक पहुंचोगे, फिर स्टीरअप्स के सेंटर में पहुंचना है तो डी बाई टू करना पड़ेगा। सो दो बार कवर यानी कि टू टाइम्स ऑफ 40, माइनस आधे आधे डायमीटर, तो स्टीरअप्स के सेंटर, ये आधा हो गया, ये आधा हो गया, तो माइनस चार माइनस चार कितना हो रहा है भाई, 400 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 40 माइनस 4 माइनस 4, 312 मेरा तो आंसर आ रहा है भाई, 312 mm, कितना आ रहा है, 312 mm। सो ए और बी की गिनती आपके सामने है, अब बहुत आसानी से दोस्तों सी मिल जाएगा भाई, किसी को कुछ डाउट है नहीं है, बहुत आराम से हम चल रहे हैं, बहुत अच्छे से चल रहे हैं, बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छे से चल रहे, उम्मीद करता हूँ यार आप सीख रहे होंगे, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही है यार कि आप सीख रहे हो कि नहीं, क्योंकि पूरे इंडिया में बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स, अलग अलग रीजन से कुछ स्टूडेंट्स बहुत छोटे हैं, छोटे मतलब
इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत कम है यार, तो उनके लिए मेरे को एक्चुअली काम करना है। स्मार्ट है वो लोग तो फटाफट से समझ जाते हैं, जो स्मार्ट स्टूडेंट्स है वो समझ जाते हैं कि हाँ ये से, लेकिन जो मतलब गांव से है जिन्होंने प्रॉपर मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा है अच्छे से लेकिन फिर भी सीखना चाहते हैं BBS, उनके लिए भी मैं बहुत अच्छे से इलाबरेशन कर रहा हूँ, जो भी पॉसिबल अच्छी इमेज होती है वो ला रहा हूँ, एकदम छोटी छोटी चीज़ें बताता हूँ कि देखो ये माइनस किया ये ऐड कर रहे हैं, ताकि वो लोग भी सीखें। और अगर मान लो कि भाई पहली बार वीडियो देखने में तुमको 50% समझ में आ रहा है, फिर से देखो थोड़ा 60 होगा, फिर से देखो 80 होगा, यानी ज़्यादा बार देखोगे अच्छे से और समझ में आएगा। कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं समझ में आए तो ध्यान से देखो कि भाई ये सर क्या कर रहे हैं, और सीक्वेंस में देखो तो बहुत अच्छे से समझ में आए। तो मेरे पास ए और बी का हिसाब किताब मिल गया मेरे को। ए हो गया 200, दोस्तों 212 है में, सभी लोग नोट डाउन कर लो यार, और ये मैंने क्या माइनस किया बहुत बेसिक चीज़ है, ठीक है ना, किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए, मैं बहुत इजीली समझा रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों सभी लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा ए और बी का वैल्यू। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पे, यहाँ पर हमें क्या करना है, ए बाई टू और बी बाई टू। ए बाई टू कितना है हमारा, 212 का आधा है ना, वर्टिकल 212 निकला था, तो 212 का आधा 106, और बी बाई टू हमारा कितना है 312 का आधा यानी कि 156, 156। अब मैं इसको और थोड़ा तोड़ने की कोशिश करूं, ठीक है, ए बाई टू बी बाई टू, अब अपने को सी फाइंड आउट करना है, एक बार सी मिल गया 4 बार सी कर देना, ठीक है। अब मैं इसको और थोड़ा तोड़ने की कोशिश करता हूँ। अब अल्टीमेटली हमारा जो फोकस है ना वो ये है, देखो ध्यान से देखो, अल्टीमेटली हमारा जो फोकस है ना वो कुछ ऐसे है। अब ये अगर 90 डिग्री घूम जाता है तो बहुत ही मजा आ जाएगा, था घूमेगा घूमेगा, चलो बढ़िया। सो अब अल्टीमेटली हमारा फोकस सी है, सी बोले तो दोस्तों, सी बोले तो हमारे, अब ये सेंटर टू सेंटर सर सारी चीजें चल रही है, ये वाला डायमेंशन सी बोले तो ये वाला डायमेंशन, और ये क्या था हमारा दोस्तों ए बाई टू, ए बाई टू जो कि कितना आया 212 का आधा 106, mm के अंदर बात चल रही है, अब मैं नहीं लिखता यहाँ पे। और बी बाई टू हमारा कितना आया, बी बाई टू हमारा आया है 156, 312 का आधा है ना, और ए बाई टू कितना आया 212 का आधा 106, यहाँ पर आप देख भी सकते हो ए 212 है ना, इसका आधा 106 और 312 का आधा 106। चलो तो अब हमारा फोकस सी है, पाइथागोरस का नियम। पाइथागोरस क्या बोलता है भाई, पाइथागोरस साइंटिस्ट का नाम है, कहीं मत बोलना कि ये सर क्या बोले पाइथागोरस, भाई भाई साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है ना। ऐसा मैं इसलिए बोला हूँ क्योंकि मुझे पता है ऑडियंस में कौन कौन लोग हैं, ठीक है, मुझे पता है कि ऑडियंस में नहीं ऐसे भी लोग हैं जो पाइथागोरस को नहीं जानते यार। सो ए बाई टू का स्क्वायर प्लस बी बाई टू का स्क्वायर प्लस बी बाई टू का स्क्वायर, चलो कर दो फिर, कहानी को आगे बढ़ाओ यार, कहानी को आगे बढ़ाओ यार, बहुत हो गया, बहुत हो गया भाई, बहुत हो गया। तो सी इज इक्वल टू सी का स्क्वायर ये भी लिखता हूं मैं, 106 डिवाइड बाई टू उसका फिर स्क्वायर 28, वैल्यू रख दो यार 106 रख दो, अरे 106 का डिवाइड बाई, नहीं टू नहीं करना था क्योंकि ए बाई टू खुद ही कितना है भाई, इसीलिए 106, यहाँ पर गलती होने के चांसेस है, दो बार नहीं हो जाए भाई, क्योंकि ए बाई टू खुद ही 106 है, तो 106 का स्क्वायर प्लस बी बाई टू कितना है 156 का स्क्वायर, ठीक है, तो सी स्क्वायर की वैल्यू बहुत लार्ज आएगी भाई, 106 का स्क्वायर बहुत लंबा आता है, कितना आता है मैं लिख देता हूँ, 11,236 प्लस 156 का स्क्वायर कितना आता है 24,336। अब इसका क्या करेंगे, अंडर रूट सी फाइंड आउट करना है ना, इसका क्या करेंगे दोस्तों, अंडर रूट। सो सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, बस दोनों को जोड़ दो, 11,236 और 24,336, 35
इसका अंडर रूट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 188.605 188.605 mm. अब मैं ये पॉइंट वाला लेके नहीं चलने वाला हूँ, है ना, मैं यहाँ पर पूरा का पूरा ले लेता हूँ 189। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ 189 ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर C की वैल्यू फिक्स करता हूँ 189 mm, 189 mm। सी क्या फिक्स कर रहा हूं मैं, 189 mm। किसी को कुछ डाउट है तो फटाफट से बता दीजिए भाई। बहुत ही सिंपल है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी लोगों का इतना ही आ रहा होगा अप्रोक्सीमेटली। सी इज इक्वल टू 189 mm। अब कहानी दोस्तों पूरी हो चुकी है, मैं बैकवर्ड जा रहा हूँ भाई। सी सबका आ गया है, लास्ट स्टेप आपको सभी को दिख रहा होगा यहाँ पे, जितना पॉसिबल जूम हो सकता है मैंने कर दिया है भाई। सभी लोग नोट डाउन कर लो, अच्छे से कहीं पर लिख लो, है ना। ये हमने बनाया था समझने के लिए सेंटर टू सेंटर, हमारी हकीकत कहानी यहाँ पर थी। ए और बी फाइंड आउट किया, सी सी और सीरस हमें ऑलरेडी गिवन था। अब हम बढ़ते हैं सी एल की तरफ, यानी कि कटिंग लेंथ। अब मुझे फिगर देखने की बिल्कुल भी जरूर नहीं है, क्योंकि जितना भी मुझे इवेल्यूशन करना था फिगर देखकर, है ना, अब मैं सारा इवेल्यूशन कर चुका हूँ। ए निकाल चुका हूँ, बी निकाल चुका हूँ, सी निकाल चुका हूँ, और बस इसी का इस्तेमाल करते हुए दोस्तों अब मैं सी एल की तरफ फटाफट से आगे बढ़ रहा हूँ। देयरफॉर कटिंग लेंथ इज इक्वल टू, कटिंग लेंथ इज इक्वल टू 4 times of 189 लिखूंगा मैं, है ना, 189 प्लस 2 times of hook length, 2 × 10 times of diameter, मैं डायरेक्टली वैल्यू लिख देता हूँ 8, माइनस 3 times of 90 degree बैंड, 90 degree बैंड के लिए 2 times of diameter, 2 times of 8, माइनस 2 times of 135 degree बैंड, 135 degree बैंड के लिए मैं 3 times of diameter, तो 3 × 8। इवेल्यूएट करो फटाफट से, सील का आंसर निकालो यार, बहुत समय हो गया, जल्दी फटाफट से। कहाँ गया, ये रहा हमारा इक्विपमेंट, ठीक है। तो 4 × 189 प्लस 2 × 10 × 8 माइनस 3 × 2 × 8 माइनस 2 × 3 × 820 हमारा तो आंसर है, 820 mm के अंदर। यानी कटिंग लेंथ इस डायमंड स्टीरप्स की कटिंग लेंथ कितनी करनी होगी, 820 mm के आसपास आपको करनी होगी। अरे कितनी करनी होगी भाई, 820 mm के आसपास आपको करनी होगी, इस बात को समझो। सभी लोगों ने निकाल लिया, मैं जोड़ा जल्दी तो नहीं गया भाई, आपको यहां पर सारे स्टेप्स विजिबल है।